भारी बढ़ गया पागलपन का नाटक भाभी जी और विभूति तिवारी के लिए, क्योंकि तिवारी जी सच में पागल हो गए हैं और अनीता भाभी को अपनी बीवी और अपनी बीवी अंगूरी को भाभी कह रहे हैं। अंगूरी, तुम कहाँ चले गए थे पगले? तिवारी जी, आप होश में तो हैं? मैं अंगूरी नहीं, अनीता हूँ। नहीं, तुम हमारी अंगूरी हो, अनीता भाभी तो ई है। ये सुनकर विभूति नारायण को इतना गुस्सा आ रहा है कि वो तो तिवारी जी की हड्डी पसली तोड़ने के लिए बेताब हो रहे हैं। वो तो अच्छा है कि अम्मा जी और अनीता जी उन्हें कंट्रोल कर रही हैं। तिवारी के बच्चे तेरा खून पी जाऊंगा। क्या कर रहे हो? अरे ये तो पगला ही गया है, इनके संग संग में ये भी पगला रहा है। लगता है कि तिवारी जी के मेंटल कुछ मेंटल है, मतलब उनको कोई दिमाग में असर हुआ है इसका, और वो अब अंगूरी जी को अपनी बीवी ही नहीं मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं उनकी बीवी हूँ। वैसे इस मौके का फायदा तो खुद विभूति नारायण ने भी खूब उठाया है। अंगूरी भाभी के लिए वो जो कुछ भी कहना चाहते थे वो सब कुछ बातों ही बातों में बोल पड़े और रोती हुई अंगूरी भाभी के हमदर्द भी बन गए। अगर मैं अंगूरी भाभी को अपनी बीवी बुलाऊं, अपनी जान बुलाऊं, अपने स्वीटहार्ट बुलाऊं, अपने गोलू मोलू बुलाऊं, तो कैसा लगेगा आपको? तो हम तुम्हारे गुद्दी तोड़ देंगे। वही करने जा रहा हूं मैं। अरे वो पागल आदमी है इस वक्त भाई, और पागलपन में आदमी को खुश नहीं रहता है कि वो क्या कह रहा है। मगर आज अनीता भाभी भी बहुत खुश है। भले ही सीन में वो थोड़ी सी चिंता में है, मगर असल में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से स्वच्छता अभियान के लिए नॉमिनेट किया गया है और उन्हें कई कलाकारों की तरह ईमेल भी पहुंचा है। इस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जितने लोग पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिनके पास ये प्लेटफॉर्म है जहां उनकी आवाज़ लोग सुनते हैं, उनको उनके माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश की है। अनीता भाभी स्वच्छता अभियान से जुड़ गई, मगर विभूति तिवारी के मन की गंदगी दूर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो भाभी जी घर पर हैं ये कहते हुए कौन आएगा। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।